तो गाइस अभी निजामुद्दीन से निकलते हुए हम लोग इधर बाहर आ गए और इधर है हुमायूं का मकबरा और रोड के इस साइड था निजामुद्दीन और इस साइड है हुमायूं का मकबरा। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ और अभी हम लोग रोड क्रॉस करके उस साइड चलेंगे। चलिए तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हुमायूं का मकबरा और ये है मेन गेट एंट्री गेट। इधर देख सकते हो आप लोग, इधर लिखा हुआ है, इधर से एंट्री लेंगे। आगे से टिकट काउंटर है, चलते हैं टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो इधर अभी टिकट काउंटर के पास ही आ चुके हैं और एक टिकट का प्राइस है 40 रुपये और विदेशी के लिए 600 रुपये। बाप रे, दे सकते हो आप लोग। और एज इधर शरारत करने में लगी हुई है। तो इधर से हम लोग लेते हैं टिकट और उधर देख सकते हैं वो लोग विदेशी लोग हैं, उधर से लेंगे एंट्री। तो चलिए फिर चलते हैं। मिल गया ये टिकट, देखो अरे वाह यार कितना अच्छा टिकट है। चलिए फाइनली टिकट ले लिया और टिकट लेने के बाद यहाँ से ले रहे हैं हम लोग एंट्री। और एंट्री लेने का हर जगह अलग अलग सा तरीका होता है। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद फिर उसके बाद अंदर चलते हैं और थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, कहीं बैठ के रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद पूरा मकबरा घूमेंगे और आप सभी को भी दिखाएंगे। और गाइस अब बॉडी को रेस्ट चाहिए क्योंकि हम लोग काफी टाइम से घूम रहे हैं। अभी रेड फोर्ट, निजामुद्दीन, अभी हुमायूं टॉम्ब, ये तीसरा है। हाँ। तो एक दिन में हम लोगों ने प्लान बनाया कि तीन तीन कम है। हाँ। क्यों जी? जी बिल्कुल, टाइम बहुत ही कम है तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही आज घूम ले। और मेरा तो मन है मैं कहीं और भी चली जाऊँ। तुम्हारा मन? रात में चलते हैं इंडिया गेट। रात में चलते हैं इंडिया गेट। यार एक ही कपड़े पे चार चार ब्लॉग शूट करो तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। सभी लोग जानते हैं यार कि हम लोग घूमने निकले, चार ब्लॉग हो जाए या पांच ब्लॉग हो जाए, चलिए चलते हैं शाम को। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा देर वेट रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर। गाइस यहाँ पे विदेशी सैलानी बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग हुमायूं के मकबरा पे। बहुत ही देखिए उधर दिखाइए, बाप रे पूरी लाइन लगी हुई है सिर्फ विदेशियों की। अल्लाह कैसे कैसे कपड़े पहने यार, कैसे कैसे कपड़े पहने, काफी बड़ा है गाइज। मैंने वीडियो में देखा था और जैसे पिक्चर्स में भी देखा था, मेरी सिस्टर आई थी घूमने तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा है। मैं दिल्ली तो कई बार आ चुकी हूँ लेकिन यहाँ नहीं आई थी, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। अभी सीधे चलते हैं, देखते हैं काफी दूर जाना है, उधर से घूम के आते हैं तो फिर इधर चलेंगे। इधर भी है, देखिए इधर भी कुछ है, इधर भी चलेंगे लेकिन पहले उधर चलते हैं। ओके अच्छा, लो लो अपना नमकीन खा लो थोड़ा सा। क्या हो गया? अभी हम लोग इधर आ चुके हैं और यहाँ से भी एंट्री लेनी है और अभी मेन मकबरा आगे है। तो चलिए चलते हैं फिर अंदर, चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप सभी, हम लोग अंदर आ चुके हैं और काफी खूबसूरत दिख रहा है ये मकबरा। बहुत सुना था मैंने, मैं कई बार दिल्ली आई पर मैं यहाँ आ नहीं पाई थी। और इधर पूरा गार्डन टाइप का है, इधर भी, इस साइड भी और इस साइड भी गार्डन है। और अच्छा है शाम के टाइम अगर फैमिली के साथ भी आओ तो घूमने के लिए, बैठने के लिए बहुत अच्छा है, देख सकते हो आप लोग। गाइस अभी हम लोग पानी के पास खड़े थे, इधर फुहारे हैं आप लोग देख सकते हैं और वहां एजल भी खड़ी है, देख सकते हैं वो आ नहीं रही है। उसको हम लोग बोले चलो बेटा, तो बोली नहीं हम यहाँ मछली देखेंगे, पानी में वो मछली ढूंढ रही है, बहुत ही जिद्दी टाइप, बहुत जिद्दी है। हम लोग बोले हम लोग जा रहे हैं, तो वो बोली कि ठीक है जाओ नहीं आएगी। और हम लोग चले आए, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा 1%, और चुपचाप खड़ी है उतना दूर हम लोगों से, खेल रही है वो, उसको फर्क भी नहीं है, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं। पापा मम्मी कहाँ गए कैसे है कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। और गाइस अभी हम लोग इसको पूरा डिस्कवर करते हैं, घूमते फिर उसके बाद यहाँ से घर जाएंगे। क्यों जी? हमको उसका फिक्र लग रहा है देखिए, और उसको हम लोगों की फिक्र नहीं है, छोड़ो जाना। चलिए हम लोग थोड़ा सा उधर घूम के आए फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। ओके। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और इधर एजल अपने पापा के साथ जा रही, और ये सीढ़ी इतनी खड़ी है देख के डर लग रहा है, चढ़ने में हालत खराब हो जाएगी और ऐसी सीढ़ी पे बहुत डर लगता है। तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, ऊपर चल के देखते हैं कैसा लग रहा है और ऊपर का नजारा कैसा है। तो गाइज अभी ऊपर आ गए हैं और गाइज एक चीज यहाँ पे कॉमन देखने के लिए मिला है। हाँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा अंग्रेज लोग दिख रहे हैं, इधर भी देखो। हाँ, इंडियन लोगों से ज्यादा अंग्रेज लोग दिख रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। बाकी ऊपर बहुत बड़ा फर्श दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, छत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हाफ में लगे मजा आता है क्यों। हाँ सही बात, बच्चे खूब खेलते यार, बच्चे खेलते क्या, एक बारात दो तीन बारात टिका देते हैं यहाँ पे हम लोग तो आराम से।
काफी जगह है ना, और ऊपर से कुछ ऐसा नजारा देख सकते हैं आप। उस गेट से हम लोग आए थे और बहुत मस्त लग रहा है ऊपर से नजारा। इधर अच्छा लाओ, इधर दिखाएं तुमको। तो गाइस फोटो वीडियो देखने में बहुत छोटा लगता है हुमायूं का मकबरा, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ बहुत बड़ा। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, ये देख सकते हैं इधर एक और दरवाजा टाइप का कुछ है जस्ट इसके सामने, ये इस साइड। इतनी बड़ी बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही होगी मकबरा, और हम लोग इस साइड से आए इधर से, देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेस है, देख सकते हैं इधर पूरी की पूरी यहाँ पे स्पेस आप लोगों को दिख रही होगी, और जस्ट ऐसा ही उस साइड भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा उस साइड। तो गाइज अभी हम लोग काफी थक चुके हैं यहाँ पे, और अभी कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे। क्यों जी, रूबी दिख ही नहीं रही उसे तो हम तो उसे दिख ही नहीं रहे, इतना थक गया, माँ बेटी के नीचे बैठ गए। तो गाइज मैं भी, मुझे लटक के वीडियो शूट करना पड़ रहा है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं मुझे, और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तब तक गाइज आप लोग एंजॉय करते हैं वीडियो में, बाकी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, तब तक वीडियो में बने रहे आप लोग। अभी मैं इधर कब से फोटो क्लिक कर रही थी, और ये अपने पापा के साथ गई थी, देख सकते हैं आप लोग, और ये भागते हुए आ रही है, और इसके पापा भी नहीं देख रहे बहुत दूर है। हाँ वो उधर हाथ दिखा रहे हैं, उधर है उसके पापा, मैं काफी देर से ढूंढ रही थी, और ये उतने दूर से अकेले भाग के आ गई। क्या हुआ अजाल? तो अभी चलते हैं, हम भी चलते हैं उसी साइड जिधर अजाल के पापा है, उधर चल के मिलते हैं आप सभी से। चलो अभी हम लोग इस साइड आ चुके हैं, इधर देख सकते हो आप लोग, इधर दूसरी साइड है, और इधर ही अजल के पापा भी हैं। तो चलते हैं हम सभी भी, देखते हैं उधर कुछ देखने लायक है, आप सभी को भी दिखाते हैं। और नीचे भी हमको लग रहा है इस साइड भी ग्राउंड ही है, और माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये तीसरी साइड की सीढ़ी है, मुझे लगता है ये जो सीढ़ी है ये चारों तरफ है। अगर नहीं जाना उधर, ये कुछ ज्यादा परेशान कर रही है। चलो उधर पापा है। तो तीन साइड का मैंने सीढ़ी देख लिया, और अब चलते हैं उस साइड, देखते हैं, मुझे लगता है चौथे साइड भी सीढ़ी होगा, और चारों तरफ एक जैसा दिख रहा है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये चारों तरफ देखने में एक जैसा लग रहा है। और तो नहीं लगी बेटी? ये देखिए चौथे साइड वाली सीढ़ी है, ये तीन साइड का तो मैंने देख लिया था, ये चौथे साइड और सेम है, चारों तरफ सेम है ना, चारों तरफ सेम स्पेस है। फिर उसके बाद आप घर निकलेंगे ना, काफी थक गए हम लोग, एक दिन में तीन तीन जगह घूम लिया, दो दो ब्लॉग बना लिया, आप क्या चाहिए। चलिए फिर निकलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मस्त मौसम, सुहाना मौसम है, बहुत ज्यादा। जब भी आप लोग को घूमना होना तो इसी मौसम में घूमे, सही बता रहे हैं, मस्त है ना, गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आप लोगों को मैं अंदर से दिखा रहा हूँ हुमायूं का मकबरा कैसा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत बड़ी गुंबद है, आप लोगों को देख सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत बड़ी गुंबद है, और ये सेंटर में पता नहीं क्या है, पता नहीं चल रहा है मुझे इसके बारे में, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी गुंबद है, क्या नक्काशी की गई है, देख सकते हैं आप लोग। मैं ऐसे मोबाइल में क्या पता चलेगा आप लोगों को, लाइव जब आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कैसा क्या है, ये क्या उस ज़माने में कैसे बनाए होंगे समझ में नहीं आता है, क्या कलाकारी रही होगी उस समय। तो गाइज इसको जब मैंने पता कि यहाँ पे खड़े गार्ड से, तो ये बोले कि ये कब्र है हुमायूं का, बेटा उस पे से उतर जाओ, ये कब्र है हुमायूं का, यही कब्र है हुमायूं का। अब गार्ड ने बताया कितना सही कितना गलत, कौन जानता है। अरे नहीं उतर उसमें, मजा हटा, पूरा घूम लिया हम लोगों ने, तो सोचा कि अंदर भी आके देख ही लेते हैं, ऊपर ना दिखाए गुंबद, बहुत बड़ी गुंबद, क्या कलाकारी रही होगी रूबी, देखती हो कभी, कभी सोचती हो नोटिस करती हो कि उस जमाने में कितनी मतलब कितने तेज तरार माइंड के लोग रहे होंगे। हाँ। इतनी मोटी मोटी दीवार यार, क्या पुरानी जितनी भी मीनारे होती है, हाँ, कलाकृतियाँ जितनी भी पुरानी, तो बहुत ही भाई दमदार रहता है, मानने की बात है। अब हम लोग फाइनली पूरा यार 600-700 साल 500 साल तक 800 साल 1000 साल तक टिकी रहती है जो बिल्डिंग, उसमें जरूर कोई ना कोई बात है गाइस। हाँ क्या गजब कलाकृतियाँ हैं यार, मानना पड़ेगा, और ऐसे जगहों पे आना चाहिए जहाँ पे हम लोगों का इतिहास हो, आप लोग बात समझ रहे हैं, जहाँ से हम लोगों का इतिहास स्टार्ट होता है, ऐसे जगहों पे आना चाहिए। और अब हम लोग पूरा घूम चुके हैं, अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, काफी थकान भी हो गई है। क्यों जी? हाँ चलो अभी चलते हैं यहाँ से। Thank you.
फाइनली घूम लिया और अब घर के लिए निकल रहे हैं और यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग मेट्रो और एक चेंज करना है फिर घर पहुँचते हैं। खाना पीना हो गया और अब सोने का टाइम हो गया, लेकिन ये जल्दी सोने का नाम ही नहीं ले रही क्योंकि ये मेट्रो में सो गई थी, तो देखते हैं ये कब तक सोती है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अच्छे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।